वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रतिभा द निटर। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए डबल कलर का प्यारा सा डिजाइन लाई हूँ। इसे आप लेडीज कार्डिगन, बच्चों के स्वेटर, कैप, सॉक्स, शॉल किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं और आप इसे सिंगल कलर में जेंट्स स्वेटर पर भी अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें 6 के मल्टीपल में प्लस 1 करके फंदे लेने होते हैं और हमारी ये डिजाइन जो है 4 रोज में बन करके तैयार हो जाती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमने 25 फंदे लिए हुए हैं, 6 के मल्टीपल में 24 और एक फंदा एक्स्ट्रा। हम बनाएंगे अपनी फर्स्ट रॉ रॉन्ग साइड से। तो जिस तरह से हमने यहाँ से स्टार्ट किया था बॉर्डर से, बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ से आपको बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पर अपना ब्लैक कलर का अटैच करेंगे और हमने क्या करना है, एक फंदा जो है हमने देखिए सिंपल उल्टा बुनना है। और अब हमने जो है 5 फंदे 2 बार धागा लपेटते हुए बुनना है। देखिए किस तरह से, एक, इस तरह से 2 बार धागा लपेटा, 2, देखिए इस तरह से 1, 2, 2 बार धागा लपेटा, ये 3 फंदे हुए। और फिर देखिए 1, 2, ये 4 फंदे हुए, 1, 2, ये देखिए यहाँ पर ये 5 फंदे हो गए। इस तरह से अब हमने एक फंदा जो है सिंपल उल्टा बुनना है, सिर्फ एक बार धागा लपेटते जिस तरह से हम बुनते हैं इस तरह से। और अब देखिए यहाँ से, यहाँ पर ये फर्स्ट फंदा, पहले फंदे को छोड़ के हमने इन 6 फंदों के पैटर्न को रिपीट करना है। 5 फंदे 2 बार धागा लपेटते हुए बुनेंगे और एक फंदा हम सिंपल बुनेंगे। देखिए किस तरह से, एक, इस तरह से फिर 2 बार धागा लपेटा, ये 2, ये 2 बार धागा लपेटा, ये वाला 3 हो गया। इस तरह से फिर 2 बार धागा लपेटेंगे, 4, और फिर से 2 बार धागा लपेटेंगे, ये 5। इस तरह से एक फंदा हमने इस तरह से सिंपल बुन डाला, ये देखिए। और फिर से 5 फंदे 2 बार धागा लपेटते हुए देखिए, एक, और फिर से 2 बार धागा लपेटेंगे, 2, ये 2 बार धागा लपेटेंगे देखिए, 3, और फिर से 2 बार धागा लपेटेंगे, ये 4, और ये 5। इस तरह से 5 फंदे हमने 2 बार धागा लपेटते हुए बुना, एक फंदा सिंपल बुनेंगे। और फिर से 5 फंदे हम 2 बार धागा लपेटते हुए बनाएंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह से 5 फंदे हमने 2 बार धागा लपेटते हुए बनाया और एक आखिरी का फंदा, इसे हम सिंपल बनाएंगे इस तरह से। फ्रेंड्स, हमारी फर्स्ट रॉ कंप्लीट हुई। हम बनाएंगे अपनी सेकेंड रॉ राइट साइड से। यहाँ पर देखिए हमने क्या करना है, हमने एक फंदा जो है सीधा बुन लेना है ये इस तरह से। अब हमने जो 5 फंदे हैं 2 बार धागा लपेट कर बुना था, उन्हें हम इस तरह से ओपन कर लेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 फंदे हमने 2 बार धागा लपेट कर बुना था, तो इन्हें हमने खोल लिया है। अब इन 5 फंदों में देखिए हम इस तरह सिलाई डालेंगे, देखिए ये इस तरह से हमने वाली सिलाई डाली। और अब इन 5 फंदों को देखिए इस तरह से बुन लेंगे, तो ये 1 हो गया। अब सिलाई पर धागा लपेटेंगे, 2 फंदा हो गया, और फिर से बुनेंगे देखिए इस तरह से 3 फंदा, फिर सिलाई पर धागा लपेटेंगे, 4 फंदा, और एक बार फिर से बुन लेंगे ये इस तरह से। देखिए 5 फंदे हो गए हमारे। तो हमने 5 फंदों का वापस से 5 फंदा कर लिया। अब इन 5 फंदों को हम सिलाई से गिरा देंगे इस तरह से। और अब हमने एक फंदा जो है सिंपल बुन लेना है इस तरह से, जो हमने बुना था सिंपल। अब हमने फिर से जो हमने 2 बार धागा लपेटते हुए बुना था, उन 5 फंदों को हम खोलेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, और ये वाला देखिए 5 इस तरह से। अब इन 5ों फंदों में इस तरह से हम सिलाई डालेंगे, देखिए ये इस तरह से, और इसे बुन लेंगे ये इस तरह से। बुना एक फंदा, धागा लपेटा सिलाई पर 2 फंदा, और फिर से बुनेंगे इस तरह से 3, फिर से सिलाई पर धागा लपेटेंगे 4, और एक बार फिर से बुन लेंगे, तो ये 5 फंदों का वापस से हमारा देखिए 5 फंदा हो गया, इसे गिरा देंगे। तो इसी तरह से फ्रेंड्स देखिए हमने करना है, एक फंदा सिंपल बनाएंगे, 5 फंदे ओपन करेंगे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 फंदे ओपन किए, इनमें हमने सिलाई आगे की तरफ से इस तरह से डाली। और अपने फिर से 5 फंदों का 5 फंदा करना है, देखिए 1 हो गया, धागा लपेटा 2, और ये बुन लिया 3, फिर से सिलाई पर धागा लपेटेंगे 4, और एक बार फिर से बुनेंगे ये देखिए 5। इस तरह से 5 फंदों का 5 फंदा हो गया, एक फंदा सिंपल बनाएंगे इस तरह से। और फिर से हमने 5 फंदे जो है ओपन करने हैं, 1, 2, 3, 4, और ये 5। अब हमने इसमें सिलाई देखी आगे की तरफ से इस तरह से डालनी है, और ये 5 फंदे हमने बुनने हैं, देखिए किस तरह से, 1, फिर धागा लपेटा 2, और इस तरह से बुना 3, फिर धागा लपेटेंगे 4, और एक बार फिर बुनेंगे
इसी तरह से देखिए पांच, तो हमने पांच फंदों का वापस से पांच फंदा कर लिया और आखिरी का एक फंदा जो है इसे बुन लेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स हमारी सेकेंड रॉ कंप्लीट हुई और अब हम आएंगे अपनी थर्ड रॉ रॉन्ग साइड से। देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने अपने ऊन का कलर जो है चेंज कर देना है। अब की बार हम पिंक कलर का ऊन अटैच करेंगे। आपने हर टू रॉज के बाद अपने ऊन का जो कलर है उसे चेंज कर देना है। तो हमने क्या करना है, देखिए चार फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, एक दो तीन चार, ये देखिए चार फंदे हमने सिंपली उल्टे बुन लिए, इसमें हमने कुछ नहीं किया है। अब जो है हम पांच फंदे, अब यहाँ से हमारा पैटर्न रिपीट होगा, डिजाइन जो है हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी। अब हमने क्या करना है, ये देखिए दो बार धागा लपेटते हुए बुना एक फंदा, फिर दो बार धागा लपेटते हुए दो, और फिर से दो बार धागा लपेटते हुए ये देखिए तीन, और फिर से दो बार धागा लपेटते हुए चार, और यहाँ पर फिर से दो बार धागा लपेटते हुए पाँच, और अब एक फंदा जो है हमने सिंपल बुन लेना है इस तरह से। तो अब हमने देखिए ये चार फंदे छोड़ के जो इन छह फंदों का पैटर्न है अब हमने इन्हें रिपीट करना है इस तरह से। अब हमने फिर से देखिए पांच फंदे दो बार धागा लपेटते हुए बुनेंगे, देखिए दो बार धागा लपेटा एक फंदा हो गया, एक दो, ये दो फंदे, एक दो, ये तीन फंदा हुआ, एक दो, ये चार फंदा, फिर दो बार धागा लपेटेंगे ये पांच फंदा, और एक फंदा हम सिंपल बुनेंगे इस तरह से। अब देखिए हमने फिर से पांच फंदे दो बार धागा लपेटते हुए बुनना है, देखिए एक दो तीन चार और ये पांच, इस तरह से हमने पांच फंदे दो बार धागा लपेटते हुए बुना। और जिस तरह से हमारे स्टार्टिंग में चार फंदे सिंपल आए थे, अब आखिरी में भी हमारे चार फंदे सिंपल आएंगे। देखिए एक दो तीन चार, ये चार फंदे हमारे जो है सिंपल हो गए। अब हम बनाएंगे अपनी फोर्थ रॉ जो है राइट साइड से। अब देखिए हमने क्या करना है, चार फंदे पहले हमने सिंपली बुनने हैं, एक दो तीन चार, ये चार फंदे हमने सिंपली बुने। अब हमने फिर से हमें पैटर्न रिपीट करना है जिस तरह से हमने सेकेंड रॉ में किया था। देखिए पांच फंदे हम ओपन करेंगे, एक दो तीन चार पाँच, ये पांच फंदे हमने ओपन किया। अब इन पांच फंदों में देखिए आगे की तरफ से इस तरह से सिलाई डालेंगे और इन पांच फंदों का हम वापस से पांच फंदा करेंगे। देखिए एक बार बुना इस तरह से, एक बार सिलाई पर धागा लपेटा दो हो गए, और फिर से बुनेंगे देखिए इस तरह से तीन, फिर सिलाई पर धागा लपेटेंगे चार, और एक बार फिर से बुन लेंगे पाँच। तो ये हमारे पाँच फंदों का जो है पाँच फंदा हो गया, एक फंदा सिंपल बुन लेंगे जो हमने सिंपल बुना था, और फिर से जो दो बार धागा लपेटते बुना था पाँच फंदे ओपन करेंगे, एक दो तीन चार पाँच। अब इन पांच फंदों में हम आगे की तरफ से सिलाई डालेंगे इस तरह से, और इन पांच फंदों का वापस से पांच फंदा करेंगे, एक धागा लपेटा दो, फिर से बुनेंगे इस तरह से तीन, धागा लपेटेंगे चार हो गया, और फिर से बुन लेंगे एक बार पांच। तो हमने पांच फंदों का वापस से पांच फंदा कर लिए, ये पांच फंदे गिरा देंगे और एक फंदा हम जो है सिंपल बुन लेंगे। तो इस तरह से हो गया हमारा। फिर से हमने पांच फंदे ओपन करने हैं, एक दो तीन चार और ये पांच। अब पांच फंदों में हम आगे की तरफ से सिलाई डालेंगे और इन पांच फंदों का वापस से पांच फंदा करेंगे, एक धागा लपेटा दो, और फिर से बुनेंगे इस तरह से देखिए तीन, धागा लपेटेंगे चार, और इस तरह से फिर से बुन लेंगे ये पांच। ये देखिए ये पांच फंदे हो गए, ये पांच फंदे गिरा देंगे। और अब आखिरी के चार फंदे जो हमने सिंपल बनाए थे इन्हें हम सिंपल बना लेंगे, एक दो तीन चार। फ्रेंड्स ये हमारी फोर रॉज जो है कंप्लीट हो चुकी है, और इसी के साथ हमारा ये डिज़ाइन देखिए बिल्कुल इस तरह से वो तैयार हो चुका है। तो हम इन्हीं फोर रॉज को रिपीट करेंगे और हमारा ये पैटर्न बनता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।